भाई आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ जाओ टक एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आज हमारे पास गाड़ी है वो रहने वाली है स्कॉर्पियो क्लासिक बेस वेरिएंट है। क्या कुछ अपग्रेड है और क्या कुछ आप इसमें अपग्रेड करवा सकते हैं पूरा आपको एंड से लेके सब कुछ बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो भाई बात करें फ्रंट से, तो फ्रंट से इसको कोई भी नहीं बता सकता है कि ये बेस मॉडल थी, क्योंकि चेक कर सकते हैं इसको कम्प्लीटली हमने फ्रंट से जो है टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइट से लेके यहाँ तक कि ग्रिल, फॉग लाइट, DRL सब कुछ इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप मॉडल वाली यहाँ पे हेडलाइट लगाई गई है। हेडलाइट के अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं है, बाकी किसी बाइक को इसके अंदर LED सेटअप करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। हेडलाइट के अंदर आप LED सेटअप का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें किसी बाइक को अपनी स्टॉक हेडलाइट में ही, जैसे कि बेस मॉडल में जो हेडलाइट आती है उसमें तेज रोशनी करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि गाइस इसका भी थ्रो ओके ही है। बाकी इसमें LED सेटअप करवाने के बाद आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें जेन्युइन महिंद्रा का DRL लगाया गया है, चेक कर सकते हैं। फिटमेंट वगैरह पूरी यहाँ पे जेन्युइन तरीके से करी गई है। पूरा ग्रिल में यहाँ पे क्रोम इंस्टॉल कर दिए गए, देख सकते हैं हमारे 6 पीस में इंस्टॉल हो गए हैं। देख लीजिए पूरे 6 पीस में रहने वाला प्रॉपर रिप्लेसमेंट पीस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बात करें इसमें और आप क्या कुछ करवा सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा जो मैट ब्लैक है आप इसको बॉडी पेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक में आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा ग्लॉसी ब्लैक में भी करवा सकते हैं। साथ में बात करें यहाँ पे देख सकते हैं रिम लग के आते हैं कंपनी से। बाकी किसी भाई को अलॉय व्हील्स चाहिए तो अलॉय व्हील लगवा सकते हैं। महिंद्रा जेन्युइन चाहिए, महिंद्रा जेन्युइन मिल जाएंगे। उसके बाद किसी भाई को अगर टॉप वो चाहिए आफ्टर मार्केट, तो आफ्टर मार्केट भी आप लगवा सकते हैं। आफ्टर मार्केट के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें पूरी क्लाइडिंग्स वगैरह पे जो सिल्वर पेंट होकर आता है यहाँ पे टॉप मॉडल वाली लुक होती है, आप वो करवा सकते हैं। यानी पूरा ऑल ओवर जो होता है ना गाइस, ये पूरा जो पार्ट है पूरा बॉडी पेंट में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। रूफ रेल हमारी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, देख सकते हैं फिटमेंट वगैरह बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करी गई है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि टॉप मॉडल में लग के आता है ना इस कंपनी से, वैसा सेम फिटिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। लीकेज की बात करें वाटर लीकेज वगैरह, तो वाटर लीकेज की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि गाइस इसको बढ़िया तरीके से फिट करा जाता है। स्ट्रेंथ भी इसकी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ किस तरीके से रहने वाली है, और साथ में एक बार और इसकी आप फिटमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये देखो भाई यहाँ पे, ये देखो गाड़ी हिल जाएगी बट यहाँ पे हमारा रूफ रेल कहीं भी नहीं जाने वाला। उसके बाद थोड़ी गाड़ी हमारी ये ऊंची रहती है तो गाइस यहाँ पे आप फुटरेस्ट भी लगवा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करें बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल में यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे डमी वाइपर लगाया गया है जिसकी फिटमेंट देख लीजिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से करी गई है। बाकी वर्किंग करवाना है तो वर्किंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बैक प्रोफाइल में और क्या कुछ करवा सकते हैं। किसी भाई को यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगवाने हैं, रिफ्लेक्टर का भी मिल जाता है ऑप्शन। उसके बाद इसके अंदर एक टेल लाइट इंस्टॉल करी गई है जिसकी मैं वर्किंग चेकआउट करा देता हूँ। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको कनेक्टिंग टेल लाइट ऑन होते हुए दिख जाएगी। स्कैनिंग मोड में ऑप्शन रहने वाला है, मैं दोबारा आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे किया ऑफ, अब ये कर दिया हमने। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको स्कैन होते हुए दिख जाएगी। बाकी ब्रेक पार्किंग का ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल जाता है। चलते हैं अब इंटीरियर में, चेकआउट कराते हैं क्या कुछ अपग्रेड है। लेकिन इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और चेकआउट करा दूँ। इसके अंदर सेंटर लॉकिंग का भी काम किया गया था, जो कि RD ब्रांड के हमारे सेंटर लॉकिंग रहने वाला है जिसकी 3 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। तो चेकआउट करा देता हूँ, देख सकते हैं ये हमारा रिमोट रहने वाला है और ये हमारा RD ब्रांड का यहाँ पे देख सकते हैं लोगो भी। बाकी किसी भाई को यहाँ पे महिंद्रा का लोगो लगवाना है वो भी आपको मिल जाता है। चेकआउट कराता हूँ आपको किस तरीके से रहने वाला। तो गाड़ी करी लॉक, तो ये हमारी लॉक हो चुकी है। अब ये देखिए जैसे ही करूँगा अनलॉक, ये देखिए। और उसके बाद एक चीज़ इसमें और हुआ है, ये मिरर जो है गाइस एडजस्टिंग मिरर लगाए गए हैं जो हमारे लग के आते हैं बेस वेरिएंट में, उसको कस्टमर को रिटर्न कर दिया गया और उसकी जगह यहाँ पे पूरे एडजस्टिंग मिरर लगाए गए जिसमें इंडिकेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं इंटीरियर में, चेकआउट कराते हैं क्या कुछ लुक रहने वाली है मेरी गाड़ी की। तो भाई आ चुके हैं इंटीरियर में, इंटीरियर में क्या कुछ अपग्रेड कराया तो यहाँ पे चेकआउट से कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे टॉप मॉडल वाली लुक में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की गई और यहाँ तक की ऑलमोस्ट हो भी चुकी है। अब क्या कुछ अपग्रेड है मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। हर बार की तरह देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी हमें बेस मॉडल में यहाँ पे पावर विंडो नहीं देती है, यहाँ पे स्विचेज रहती है, उसको यहाँ से शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लगा दिए। पूरे डोर पैनल चेंज है, देख सकते हैं पूरा का पूरा डोर पैनल चेंज किया गया। पीछे भी आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे चेंज किए गए, देख लीजिए। और ये हमारे महिंद्रा जेन्युइन रहते हैं, वर्किंग देख लीजिए शीशों की, ये देख लीजिए अप डाउन में कोई आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, वर्किंग सेम रहने वाली है आपकी। उसके बाद बात करते हैं इसमें एडजस्टिंग मिरर की, जो हमने यहाँ पे एडजस्टिंग मिरर लगाया है तो यहाँ पे देख लीजिए स्विच। मान लीजिए हमें राइट का मिरर कंट्रोल करना है तो राइट की तरफ हमने डायल घुमाया, ये देखिए अप, ये डाउन, लेफ्ट और ये हमारा राइट, ठीक है भाइयों। तो ये सारी वर्किंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। जो प्रॉब्लम आती थी ना यहाँ से आप बार बार कंट्रोल करते थे अप डाउन वगैरह, उसकी यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को आपको मिल रहा है एडजस्टिंग मिरर।
ठीक है भाई, तो ये रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें इसमें बेस मॉडल को यहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे टॉप मॉडल में कन्वर्ट किया है, तो ये देख लीजिए हमारा मीटर, देख सकते हैं यहाँ पे मीटर आपको देखने को मिल रहा है। जो टॉप मॉडल वाला मीटर होता है उसमें ब्लू कलर की लाइटनिंग आपको देखने को मिलती है, तो वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, देख लीजिए, ये देख लीजिए। बाकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्रॉपर महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला। और साथ में यहाँ पे जो स्विचेस लगाए हैं ना, ये भी हमारे पूरे चेंज किए गए, देख लो भाई, इसमें भी आपको यहाँ पे ब्लू कलर की लाइटनिंग देखने को मिलेगी, देख सकते हैं, ये देखिए प्रॉपर आपको ब्लू कलर की लाइटनिंग देखने को मिल रही है, प्रॉपर रिप्लेसमेंट पीस है। और साथ में ये वर्किंग भी प्रॉपर करते हैं, देखो ये देख लो भाई, देख लिए भाई। उसके बाद म्यूट एंड म्यूट, कॉल पिक, कॉल कट, हर चीज़ यहीं से ही आप कर सकते हैं। बाकी किसी भाई को स्टीयरिंग के ऊपर स्टीयरिंग रैप लगाना है आप वो लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे यू जो है पियानो ब्लैक में लगा दिया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए पियानो ब्लैक के अंदर हमारा यू लगाया गया। बाकी स्टीयरिंग रैप करवा सकते हैं आप इसके ऊपर, और मान लीजिए किसी भाई को ये वाले सीट कवर पसंद नहीं है जो कंपनी से आते हैं उसको उतरवा के यहाँ पे कस्टमाइज सीट कवर लगवाने हैं तो आप वो भी लगवा सकते हैं, उसका ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। बहुत प्रीमियम ब्रांड क्वालिटीज़ के यहाँ पे आपको सीट कवर्स मिलेंगे गाइस, और बहुत अच्छी लुक भी रहेगी और साथ में कम्फर्ट भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, देख सकते हैं अभी कुछ इस तरीके के। बाकी इससे लाख गुना अच्छे सीट कवर आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें, पूरा वुडन फ्रेम यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर वुडन ये रहने वाला है हमारा। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चार्जिंग स्लॉट भी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, देख लीजिए प्रॉपर वर्किंग रहेगी, देख लीजिए प्रॉपर वर्क करेगा, 12 वोल्ट की सप्लाई रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पूरा फ्रेम जो है ग्लॉसी ये हमारा वुडन में करा गया है, देख लीजिए वुडन फ्रेम यहाँ पे इंस्टॉल है। उसके बाद ये जो एसी वेंट्स है यहाँ पे देख सकते हैं टॉप मॉडल वाले लुक यहाँ पे दी गई है, क्योंकि गाइस टॉप मॉडल में ही ये सिल्वर वाले आपको देखने को मिलते हैं, सिल्वर क्रोम की यहाँ पे आपको यहाँ पे पट्टी देखने को मिल जाती है, देख लीजिए ये फ्रेम के पास सिल्वर क्रोम की पट्टी देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए मैट वाले आते हैं वो कस्टमर को रिटर्न कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लो आप भाइयों, ये पूरा का पूरा जो है ये वाला पार्ट भी चेंज है, ये भी पार्ट चेंज है, वो भी हमारा पार्ट जो है यहाँ पे चेंज रहने वाला है। प्रॉपर यहाँ पे लुक जो है टॉप मॉडल वाली यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं प्रॉपर सिल्वर क्रोम की यहाँ पे फिनिशिंग देखने को आपको मिल रही है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे कंपनी हमें डब्बा देती है उसको निकाल के कस्टमर को रिटर्न कर दिया, क्योंकि डब्बे का हमारा क्या ही काम है। उसकी जगह हमने यहाँ पे स्टीरियो लगाया है जिसका टच रिस्पॉन्स देख लो भाई, हल्का सा वन टच रिस्पॉन्स है, ये देखो हल्का सा टच करते ही एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू की तरफ यहाँ पे इस तरीके से जाया जा रहा है। बाकी बात करें अवेलेबिलिटी की, क्रोम है, प्ले स्टोर है, गूगल है, मैप है, उसके बाद नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह, यानी एक कंप्लीट पैकेज जिसे बोलते हैं ना, जो भी हमें बेसिक नीड होती है वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और साथ में इसकी वर्किंग भी बहुत फास्ट रहने वाली। तो भाई वो गाड़ी में तो यही कुछ किया गया था, बाकी किसी भाई को फ्लोरिंग करवानी है फ्लोरिंग करवा सकते हैं, उसके बाद आमरेस लगवाना है आमरेस भी लगवा सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे काम जो है आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो गाड़ी में तो यही कुछ हुआ है, बाकी वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको ऐसी वीडियो और इन फ्यूचर देखनी है तो चैनल को लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर टेक केयर, बाय बाय।